Hello everyone, today we are going to discuss about the chapter 5, namely the contemporary South Asia. आज हम लोग political science का chapter 5 जो है उसको discuss करने वाले हैं, जिसमें हम लोग किसके बारे में बात करेंगे, contemporary South Asia की बात करेंगे, कि South Asia में कोल्ड वार के बाद के जो टाइम पीरियड था उसमें किस तरह की डेवलपमेंट्स हुई, और साउथ एशिया में कौन कौन से रीजन्स जो थे उनने किस तरह की डेवलपमेंट करी, किस तरह से इंडिया पाकिस्तान जो थे वो न्यूक्लियर पावर में मतलब ज्वाइन हुए, और उनका फोकस जो था वो क्या था, ग्लोबल अटेंशन की तरफ उनका फोकस कैसे हुआ, कौन कौन से मतलब कन्फ्लिक्ट्स जो थे उन रीजन्स में प्रिवेल कर रहे थे, और बॉर्डर डिस्प्यूट्स जो थे वो क्यों हो रहे थे, कौन कौन से स्टेट्स के बीच में बॉर्डर डिस्प्यूट्स हो रहे थे, ये सारी चीज़ें जो हैं वो आज हम लोग डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे बताया गया, फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ साउथ एशिया. सबसे पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि साउथ एशिया है क्या एक्चुअली. तो जब हम लोग साउथ एशिया की बात करते हो तो सबसे पहले बात आती है यहाँ पे इंडिया और पाकिस्तान की, कि साउथ एशिया में पाकिस्तान और इंडिया मेन है, क्योंकि इंडिया जिस नेशन में हम लोग रहते हैं और जिसके साथ हमारे डे टू डे कन्फ्लिक्टिंग मतलब इवेंट्स होते रहते हैं वो पाकिस्तान है. ठीक है, तो यहाँ पर क्या बताया गया कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक ऐसी हॉस्पिटैलिटी नहीं है, एक इस तरह की लॉयल्टी नहीं है जैसे दो नेबर्स के बीच में होनी चाहिए. हमेशा ये एज़ अ राइवल ही सामने आए हैं, चाहे वो क्रिकेट मैच की बात हो या फिर किसी अनदर नेशन मतलब किसी अनदर कन्फ्लिक्ट की बात हो या किसी भी तरह की बात हो, तो हमेशा ये मैच को भी एक इस तरह से खेलते हैं जैसे अपने एनिमी के साथ खेला जा रहा है, ना कि एक टीम वर्क ये नहीं करते हैं, और हमेशा एक दूसरे के ऊपर ये क्या करते रहते हैं, डाउट करते रहते हैं, चाहे वो मतलब ट्रस्ट जो है वो मतलब है ही नहीं है इन दोनों के बीच में, क्योंकि ट्रस्ट किया ही नहीं जा सकता. जैसे हम लोग अगर बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान के ऊपर क्या इंडियंस जो हैं वो ट्रस्ट कर सकते हैं, कांट इमेजिन. क्यों? क्योंकि इंडियन के साथ हमेशा बॉर्डर डिस्प्यूट में ये मतलब पाकिस्तान जो है हमेशा वो सीज़ फायर वायलेशन करता रहता है, हमेशा वो टेरिटरी डिस्प्यूट्स जो हैं उनको मतलब इमर्ज करता रहता है डे बाय डे, चाहे वो कश्मीर इशू हो. ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें व्हाट इज़ साउथ एशिया, तो एग्जैक्टली अगर उसकी बात करें तो साउथ एशिया में कुछ कंट्रीज़ जो हैं वो इन्वॉल्व होती हैं जिनको साउथ एशिया में रखा गया, लाइक बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका. ठीक है, ये नेशंस हैं जो किस में इन्वॉल्व होते हैं, ये साउथ एशिया में इन्वॉल्व होते हैं. तो अगर हम लोग बात करें ये कहाँ से स्टार्ट होता है, ये हिमालय जो कि नॉर्थ से स्टार्ट होता है और इंडियन ओशियन तक है, अरेबियन सीज में इन्वॉल्व है, बे बंगाल आता है जो साउथ में है, वेस्ट है ईस्ट है रिस्पेक्टिवली, जो मतलब नेचुरली एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं. तो ये सारे नेचर जो हैं वो क्या है, रिस्पॉन्सिबल हैं किसके लिए, लिंग्विस्टिक, सोशल और कल्चरल मतलब इनमें वेरिएशंस हैं. ये सारे नेशंस जो हैं इन ये सभी जो मतलब एक एशियन कॉन्टिनेंट का ही पार्ट हैं उनमें बहुत ज़्यादा डिस्टिंक्शंस हैं, बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस जो हैं वो देखने को मिलते हैं. इन सभी की बाउंड्रीज जो हैं वो क्लियर नहीं हैं, जैसे ईस्ट टू वेस्ट नहीं है, तो नॉर्थ टू साउथ भी नहीं है. जैसे अफगानिस्तान और म्यांमार जो हैं उनको अगर हम लोग इंक्लूड करें डिस्कशन में, तो उसमें ये बताया जाता है कि ये कहीं ना कहीं इस डिस्कशन का एक होल हम लोग रीजन नहीं बोल सकते हैं. चाइना जो कि बहुत इम्पोर्टेंट प्लेयर है, लेकिन उसको साउथ एशिया का पार्ट नहीं माना गया है. इस चैप्टर में हम लोग बात करेंगे कि साउथ एशिया का एक्चुअली मीनिंग क्या है. जो हम लोगों ने 7 कंट्रीज़ की बात करी है ऊपर, तो सिर्फ वही जो हैं वही साउथ एशिया में आते हैं या उसके अलावा भी कुछ और नेशंस जो हैं वो इसमें इन्वॉल्व हैं. तो यहाँ पर बताया गया है साउथ एशिया जो वो स्टैंड होता है डाइवर्सिटी इन एवरी सेंस, मतलब हर एक चीज़ में डिफरेंशिएशन है. कहने का मतलब है हर एक लेवल पे डिफरेंसेस जो हैं वो देखने को मिलते हैं, जो क्या करते हैं एक जियोपॉलिटिकल स्पेस जो है वो कॉन्स्टिट्यूट करती हैं, मतलब एक जियोपॉलिटिकल सिस्टम में इन्वॉल्व होती हैं. ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पर क्या बताया गया है, ये जो अलग अलग कंट्रीज हैं साउथ एशिया की वो सेम, उनका पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो सेम नहीं है. ठीक है,
उसके बाद यहाँ पर क्या बताया गया, बहुत सारी लिमिटेशंस, बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो देखने को मिलती हैं यहाँ पर। जैसे श्रीलंका हो गया, इंडिया हो गया, उसने क्या किया हुआ है, एक डेमोक्रेटिक सिस्टम को ऑपरेट किया है जब से उनने ब्रिटिशर्स से क्या करा है, इंडिपेंडेंस गेन करी है, ब्रिटिशर्स के चंगुल से बाहर निकल के आए हैं। तो इस चैप्टर में आप लोग पढ़ोगे कि डेमोक्रेसी, जो कि आप लोग पॉलिटिकल साइंस के 10th में भी आप लोग डिस्कस करके आए हो, उसमें आप लोगों को बहुत सारी लिमिटेशंस, आउटकम्स के बारे में आप लोगों ने डिस्कस करा होगा। तो उसमें ये बताया गया कि डेमोक्रेसी जो है वो कभी भी, मतलब फॉरएवर के लिए एग्जिस्ट नहीं करती है, वो एक इंडिपेंडेंट कंट्री के लिए वर्किंग में आ सकती है, एग्जिस्टेंस में आ सकती है, लेकिन जैसे जैसे सिस्टम चेंज होता जाएगा, दोबारा से जो सिस्टम थे वो दोबारा से आएंगे, लाइक मोनार्की हो गया, एरिस्टोक्रेसी हो गया, टायरनी हो गया, देन डेमोक्रेसी आएगा। इस तरह से ये जो है ना, ये साइकिलिंग वेव जो है वो चलती ही रहती है। ठीक है, तो सेम केस यहाँ पे श्रीलंका में भी ऐसे ही हुआ था, डेमोक्रेसी आई, देन उसके बाद सिविल वॉर हुआ, देन इसी तरह से मतलब इंडिपेंडेंस जो थी वो, उसकी मतलब सिविल वॉर के बाद बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट होगी, बहुत ज़्यादा रिवॉल्ट्स भी देखने को मिली। तो अगर हम लोग नेक्स्ट बात करें पाकिस्तान और बांग्लादेश की, तो उन्होंने भी सिविलियन और मिलिट्री रूलर्स को एक्सपीरियंस किया था, मतलब पाकिस्तान में भी और बांग्लादेश में क्या हुआ था, वहाँ पर सिविलियंस का भी रूल हुआ और मिलिट्री रूल जो था वो भी देखने को मिला। बांग्लादेश जो था वो रिमेनिंग क्या है, डेमोक्रेसी, कोल्ड वॉर के बाद का जो पीरियड था उसमें वो डेमोक्रेटिक एक सिस्टम उसने प्रिवेल शुरू कर दिया था, प्रिवेल करना स्टार्ट कर दिया था। पाकिस्तान जो था वो कोल्ड वॉर के बाद भी उसको एक सक्सेसिव डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो थी वो कब मिली थी, बेनज़ीर भुट्टो के टाइम पर मिली थी, नवाज शरीफ के टाइम पर मिली थी, लेकिन वो भी इतनी ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हुई थी, क्योंकि बेनज़ीर भुट्टो को क्या कर दिया गया था, उसको मरवा दिया गया था। लेकिन ये जो मिलिट्री कूप हुआ था 1999 में, उसमें देखा गया ये जो मिलिट्री रजीम जो थी वो, उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने डेमोक्रेटिक रजीम को गेट रिड कर दिया, इरेडिकेट कर दिया, और अपना जो मिलिट्री रजीम जो था उसको इस्टेब्लिश कर दिया। और 2006 तक नेपाल जो था वो भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की के अंडर वर्क कर रही थी, जिससे कि किंग्स जो थे वो भी खतरे में थे कि उनकी एग्जीक्यूटिव पावर्स जो थी वो ले ली गई थी। 2006 के बाद पॉपुलर अपराइजिंग हुई, जिसमें बहुत सारे नेशंस में क्या किया गया, डेमोक्रेसी को रिस्टोर करा गया, स्पेशली नेपाल में रिस्टोर करा गया, किंग को नॉमिनल पोजीशन मिल गई और उसकी जितनी पास थी उनको रिड्यूस कर दिया गया। ये सब एक्सपीरियंसेस जो थे वो बांग्लादेश, नेपाल में देखने को मिले, जिससे हम लोग ये बोल सकते हैं कि डेमोक्रेसी जो थी उसके कुछ नॉर्म्स होते हैं जिनको एक्सेप्टेंस मिलनी चाहिए। और पूरे एंटायर रीजन की अगर हम लोग बात करें, पूरे सब कॉन्टिनेंट की बात करें, तो साउथ एशिया में डेमोक्रेसी को लेके बहुत ज़्यादा उथल पुथल देखने को मिली थी। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड मे गॉड ब्लेस।